नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RJ न्यूज राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह की बड़ी खबरें राजस्थान से जुड़ी हुई हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इन खबरों को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज की ये बड़ी खबरें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर है राजस्थान से, जहाँ अशोक गहलोत ने कहा है कि वन क्षेत्र का विस्तार होगा, राज्य सरकार 3 माह में तैयार करेगी नई वन नीति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है वन विभाग की समीक्षा। वे बोले कि वन विस्तार के तहत सामाजिक वानिकी योजना को जीवंत करें। रीको के 17 औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास और 6 का लोकार्पण किया जाएगा। जी हाँ, दूसरी बड़ी खबर, जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी गुटबाजी भितरघात के खतरे के बीच बीजेपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों की नगर निगम चुनाव में होगी पहली समीक्षा। जी हाँ, बड़ी खबर की बात करें तो जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों में होने हैं चुनाव। निगमों पर कब्जा करने का कांग्रेस ने ही पहले बना लिया था प्लान। जी हाँ, अगली बड़ी तीसरी खबर निकल के आ रही है जयपुर से, जहां जयपुर समेत 6 निगमों को 31 अक्टूबर तक कराए चुनाव। हफ्ते भर में जारी हो सकता है कार्यक्रम। एक और झटका लगा है, जहां राजस्थान सरकार की नगर निगम चुनाव टलवाने की SLP खारिज। कोर्ट ने कहा है कि समय बढ़वाने की जरूरत हो तो हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर करें। अब बात करते हैं कोरोना की, जहाँ राजस्थान में कोरोना का कहर अभी तक जारी है। अक्टूबर में हर दिन 2000 से अधिक रोगी आ रहे हैं। रिकवरी रेट तो 95% के करीब है। सितंबर में पहले दिन 88% थी। बड़ी खबर की बात करें तो 2138 रोगी कुल, 15 मौतें हो चुकी है। कुल संक्रमित 1.52 लाख के पार हो चुके हैं। लगातार 7वें दिन 2000 से ज़्यादा रिकवर। जी हाँ, ये कोरोना से बड़ी जुड़ी हुई थी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, जहाँ विंडर शेड्यूल फ्लाइट्स का नया शेड्यूल 25 से लागू होगा। 2 बंद होगी तो 8 नई शुरू होने की संभावना। इंदौर हैदराबाद की 2 फ्लाइटें होंगी बंद। जी हाँ, ये खबर थी। और अब बात करते हैं जोधपुर की, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। 8 महीने पहले खरीदी थी गाड़ी, पिता की अस्थियां विसर्जित करते समय लौटते परिवार स्कॉर्पियो से भिड़ी बहू की मौत। जी हां, 2 गाड़ियों में हरिद्वार से लौट रहा था रूपनगर का मकवाना परिवार। गुरुवार सुबह 7:15 पर जयपुर से पहले 15 किलोमीटर पर पहले हादसा हुआ, जहाँ बहू की मौत हो गई। जी हाँ, अब एक और बात करते हैं जोधपुर की, जहां विवाहिता से ज्यादती हुई है। पियर से लौटी महिला को घर पर छोड़ने का बहाना बनाकर घर पर अपने गाड़ी में साथ ले गया, नशीला पेय पदार्थ पिलाकर किया गंदा काम। जी हाँ, यह खबर जोधपुर से थी। एक और खबर आ रही है, जहां बिल्लाड़ा और पिपार नगर पालिका के 3 EO के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज हो गए हैं, निदेशालय में उपस्थित होने के निर्देश। जी हाँ, रतकुड़िया की बात की जाए तो पूर्व सांसद के पोते का मुकाबला पूर्व सरपंच से, दोनों समर्थक भिड़े, केस दर्ज, समिति की 5 पंचायतों में सबकी नजर। लास्ट चलते चलते हम IPL की बात कर लेते हैं। बाद ने पंजाब को 69 रन से हराया। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ सनराइजर्स की सबसे बड़ी जीत। पॉइंट टेबल में 3रे स्थान पर पहुंची बेस्टो और राशिद का शानदार प्रदर्शन। जी हाँ, IPL में 13वें सीजन में 22वें मैच के सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स इलेवन पंजाब को 69 रन से हरा दिया। IPL में पंजाब के खिलाफ हैदराबाद की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 2019 में हैदराबाद ने पंजाब को 45 रन से हराया था। दुबई में खेले गए उस मुकाबले में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रन का टारगेट दिया था। जवाब में पंजाब की टीम 16.5 ओवर में ही 132 रन पर ऑल आउट हो गई। जी हाँ, आज सुबह की बड़ी न्यूज राजस्थान से जुड़ी हमने आप तक पहुंचाई, तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे इस न्यूज़ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।